और क्या हुआ आपके साथ? सर मेरा नाम विशाल है, हम दोनों एक साथ कंपनी में काम करते थे। तो मैंने इससे शादी इसने मुझे शादी के लिए बोला, तो मैंने इससे कहा कि अपने घर को उसे बात कर ले, तो इसके घर वालों ने इसके इससे मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो इसने कहा कि मैं जहर खा के मतलब मर जाऊंगी। तो इसके घर के कहने लगे कि ठीक है, तुम लड़के को बुला लो, हम बात कर लेंगे। तो इसने मुझे फ़ोन किया कि घर वाले मान गए हैं शादी के लिए, तुम आ जाओ एक बार बात कर लो। तो मैं इसके घर पहुंचा, तो सर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसकी मुझे नहीं पता। फिर मेरा इसने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। क्या हो गया? मतलब सर खतना हम धर्म परिवर्तन। तो इसने फिर मतलब इसको भी मारा पीटा, इसको भी घर में बंद किया। फिर उसके बाद इसने मेरे घर फ़ोन किया। सर जब मेरे घर के वहाँ पहुँचे तो हम दोनों एक साथ वहाँ से आए, मेरे घर के मुझे अरीज को लेकर आए। तो अब आपके आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ सर, मैंने नोएडा पुलिस से शिकायत की। फिर क्या हुआ? सर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, अब भी उसकी मम्मी की सुन रहे हैं। अब आप यहाँ कहाँ पे आए हैं? सर हम बुलंदशहर यहाँ पे आए हैं। तो क्या कहा है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मैं उनसे बात करूँगा, वे करेंगे कार्रवाई करेंगे। अभी आपके साथ रह रही है? हाँ ये मेरे साथ ही रह रही है। सर हम दोनों आपस में मतलब बातें करते हैं, तो सर मम्मी से हमने कहा कि हमारी शादी करा दो, वो बोली कि हम ऐसे नहीं करा सकते। तो मतलब सर हमने कहा कि हम जहर वहर खा लेंगे, मतलब कुछ भी कर लेंगे। तो बोले कि उन्हें बुला लो, हम आपकी शादी की बात करते हैं। तो सर उन्होंने मतलब ये वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने बोला उन्होंने मतलब इन्हें कुछ भी सुंगाया या कुछ भी किया, उन्हें बेहोश किया और सर हमें भी घर में मार पीट के बंद किया और बोले इन्हें अस्पताल में लेके गए। तो वहाँ पे सर ये बेहोश ही रहे। अस्पताल लेके गए तो क्या कराएंगे? इनकी खतना हो गई। उसके बाद हमने पुलिस से शिकायत की? हमने पुलिस उनसे कहा कि थाने फेस्ट वालों से कि हमारी सुनवाई करो। उन्होंने बोला कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। तो अब आप अपने घर वालों के साथ नहीं है? नहीं।